नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 में आरसीबी टीम का सफ़र जो है समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब आरसीबी टीम जो है आईपीएल 2021 के लिए देखेगी, वहां पर उसकी तैयारी करते हुए नज़र आएगी। दोस्तों, आईपीएल 2021 में ऑक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, क्या मेगा ऑक्शन होगा या फिर मिनी ऑक्शन होगा, इस पर अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। हालांकि दोस्तों, अगर ऑक्शन होता है तो फिर आरसीबी टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो भाइयों, आप सभी के हिसाब से क्या लगता है आरसीबी की टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप कई तरीक़ों से पैसे बना सकते हैं। ऐप का नाम है विंजो। तो गाइस, इस ऐप पर आप इजी गेम्स खेलकर रियल कैश कमा सकते हो। इस ऐप पर 40 से भी ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर गेम्स हैं, जैसे कि मेट्रो सफ़र, फ्री फायर, कॉल ब्रेक, लूडो, बबल शूटर, कैरम, क्रिकेट गेम्स एंड सीओडी मोबाइल्स का टूर्नामेंट भी चल रहा है। और यही नहीं, विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है, जहां आपके पास इस आईपीएल सीजन डेली आरएस 20,000 तक कमाने का मौका होगा। जो सुपरस्टार पर आप प्रति रेफर आरएस 40 तक अर्न कर सकते हो और अपनी अर्निंग सीधा बैंक या फिर यूपीआई में ले सकते हो। ऐप पर अपनी विनिंग यानी जीता हुआ अमाउंट जो है बैंक, यूपीआई या फिर पेटीएम से विदड्रॉ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, मिनिमम विदड्रॉ इसमें आरएस 3 है। तो वेट किस बात का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करो। साइन अप पर मिलेगा आपको आरएस 50 का बेनिफिट और फ्री फैंटेसी टिकट्स भी। तो अभी जाओ दोस्तों और इंस्टॉल करो। पहले बात करें इस सीज़न की, तो इस सीज़न में आरसीबी टीम के कई खिलाड़ी जो रहे फ्लॉप साबित हुए, और कई ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो कि बेंच पर ही बैठे रहे, उन्हें एक भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में दोस्तों, अब बात करें कि आखिरकार आरसीबी की टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम जो है वो आता है उमेश यादव का। जी हाँ दोस्तों, उमेश यादव को आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग के मैचेस में यहाँ पर मौके दिए गए थे, मगर दोस्तों उन्होंने काफ़ी ख़राब गेंदबाजी की। यादव ने पंजाब के खिलाफ 4 ओवर किए और 48 रन दिए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 3 ओवर किए, जिसमें उन्होंने 35 रन दिए। यही उन्हें मौके मिले थे, इसके बाद उन्हें मौके नहीं दिए गए, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों, आरसीबी टीम यही चाहेगी कि उमेश यादव को रिलीज़ कर दिया जाए, उनके प्लेस पर जो है आईपीएल 2021 में कुछ अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाए। कोई अच्छा भारतीय तेज गेंदबाज देखा जाए डोमेस्टिक क्रिकेट से, जिसे टीम में लाया जाए, जो कि अच्छी खासी बॉलिंग करे T20 क्रिकेट में। इसके बाद दोस्तों, बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो दूसरा नाम जो आता है वो आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, गुरकीरत सिंह मान का। जी हाँ दोस्तों, गुरकीरत सिंह मान को भी यहाँ पर काफ़ी मौके दिए गए, मगर दोस्तों उन्होंने बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। गुरकीरत सिंह मान के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि वो T20 जैसे क्रिकेट में काफ़ी स्लो इनिंग्स खेलते हैं। इसी वजह से दोस्तों, हो सकता है कि आरसीबी टीम उन्हें भी रिलीज़ कर दे और आईपीएल 2021 के लिए किसी नए बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल करे, जो कि मिडल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर पाए और तेज रन्स बनाकर टीम को दे सके। इसके बाद दोस्तों, बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो तीसरे खिलाड़ी यहाँ पर होंगे दोस्तों डेल स्टेन। जी हाँ दोस्तों, डेल स्टेन नो डाउट अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज हैं और अभी भी उनके अंदर कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मगर दोस्तों, 2019 में जो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, आरसीबी के लिए कुछ ही मैचेस खेले थे, जिसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, और उन मैचों में आरसीबी टीम के लिए उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। इसके बाद 2020 में भी उन्हें आरसीबी टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया और इस बार उन्हें मैचेस भी खेलने को मिले, मगर दोस्तों स्टेन जो है पिछले सीजन के मुकाबले यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। स्टेन की थोड़ी सी फिटनेस को लेकर भी समस्या रहती है, और वहीं दोस्तों पहले जैसी धार उनकी गेंदबाजी में अब नहीं रहा है। इसी वजह से आरसीबी टीम यही चाहेगी कि स्टेन को रिलीज़ कर दिया जाए, उनकी प्लेस पर एक अच्छा ओवरसीज तेज गेंदबाज जो है टीम में लाया जाए, जो कि अच्छी खासी गेंदबाजी कर सके डेथ ओवर्स में। इसके साथ ही T20 क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी करता हो, T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज हो। अब इसके बाद दोस्तों, बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो चौथे खिलाड़ी यहाँ पर हो सकते हैं पवन नेगी। जी हाँ दोस्तों, पवन नेगी को आरसीबी की टीम यहाँ पर आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि भाइयों, वाशिंगटन सुंदर और मोइन अली जैसे ऑलराउंडर्स जो है आरसीबी टीम के पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छे विकल्प है। इसी वजह से दोस्तों, पवन नेगी को यहाँ पर मौके भी नहीं दिए जाते हैं, वो काफ़ी कम मैचेस खेलते हैं किसी भी सीजन में। इसी वजह से यहाँ पर आरसीबी टीम यही चाहेगी कि उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए और उनकी जगह पर क्यों ना किसी तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया जाए, या फिर कोई अच्छा ऑलराउंडर जो है टीम में शामिल किया जाए। इसके बाद दोस्तों, पांचवा जो नाम होगा वो हो सकता है कि पार्थिव पटेल। जी हाँ दोस्तों, ये एक चौंकाने वाला भी नाम हो सकता है, मगर दोस्तों यहाँ पर पार्थिव पटेल को इस सीजन जो है एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, उनकी जगह जो है देवदत्त पड्डीकल ने ले ली है। पार्थिव पटेल की जगह पर पड्डीकल जो है ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब पड्डीकल के साथ में आरसीबी टीम किस ओपनर के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देती है, ये तो देखने वाली बात होगी आईपीएल 2021 में। मगर दोस्तों, हो सकता है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि पार्थिव पटेल को अगले सीजन से पहले रिलीज़ कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिसाब से पाँच ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आरसीबी की टीम
टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है, इन्हें ऑक्शन के लिए छोड़ सकती है। आप सभी को क्या लगता है कौन से खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।